कुछ समय पहले कार वॉश करना या फिर स्कूटी वॉश करना एक टास्क होता था, लेकिन आजकल ये काम बहुत ही ज्यादा आसान और मजेदार हो गया है। तो हे दोस्तों, आप देखें V4 वीडियोस और यहाँ पे है मेरे पास एक अमेजिंग कार वॉशर मशीन। आई थिंक कार वॉशर बोलना थोड़ा इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक हाई प्रेशर वॉशर जिससे हम लोग कार, स्कूटी, बाइक तो वॉश कर ही सकते हैं और अनगिनत ऐसी चीजों को साफ कर सकते हैं जो कि हम लोगों ने सोचा नहीं होगा। तो हमारे पास जो मशीन है वो 11 ब्रांड की हाई प्रेशर वॉशर है, मॉडल अल्फा। इसमें आपको 130 बार का मैक्सिमम प्रेशर मिलता है और ये सेल्फ प्राइमिंग फीचर के साथ आती है, यानी कि अगर आपकी बकेट में पानी रखा हुआ है तो ये मशीन उससे खींच लेगी। आप चाहे बैकेट लगाएं या फिर इसे डायरेक्ट नल से सप्लाई दें। चलो इसे अनबॉक्स करते हैं। तो इस मशीन में इतने सारे अटैचमेंट मिले हैं कि पूरी की पूरी टेबल ही भर गई है यहाँ पे हमारी। तो यहाँ पे इस मशीन के साथ हमें मिला है यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड, इनलेट पाइप, प्रेशर पाइप, फोम गन, गन एक्सटेंशन रॉड, दो अलग अलग नोजल्स और थोड़े और अटैचमेंट, इनलेट अटैचमेंट और पाइप के अटैचमेंट इस पैकेट के अंदर है। सबसे पहले इस मशीन को असेंबल करते हैं और इसके सारे पार्ट को अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पे हमें ब्लैक कलर के स्क्रू मिले हैं और यूजर मैनुअल में अच्छी तरीके से हर एक चीज को समझाया गया है, लेकिन आपको वीडियो से भी सब समझ में आ जाएगा। इतने सारे अटैचमेंट देख के गणना नहीं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले इस वाले हिस्से को यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देना है। यहाँ पे 6 बड़े स्क्रू मिले हैं और 2 छोटे स्क्रू मिले हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा ये अलग लगेंगे और ये अलग लगेंगे। यहाँ पे देखना एक निशान बना हुआ है, इस निशान के अंदर ये देखिए स्पेस खाली है, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। तो इस स्पेस में हमें स्क्रू लगाना है और यहाँ पे भी सेम चीज है, बाकी का एक होल में स्क्रू पहले से लगा हुआ है। एक पार्ट ये वाला है, इसमें छोटे स्क्रू यूज होंगे, यहाँ पे लगाना है और ये हमने टाइट कर दिया इसे भी। एक ये वाला हिस्सा है जिसमें गन लगाई जाएगी, ये लगेगा यहाँ पे, और एक छोटा सा ये हिस्सा है, ये लगेगा इसके इस तरफ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे 4 स्क्रू बचे हैं जो कि यहाँ पे लगेंगे, 1, 2, 3, 4, और ये वाला पार्ट है हमें इसको यहाँ पे सावधानी से फिक्स करना होगा। एक ये गया और एक ये गया और यहाँ पे इसको टाइट करना है। तो ये हमने कंप्लीट मशीन को कर लिया असेंबल और ये पूरी तरीके से तैयार है यूज करने के लिए। आप लोग चाहें तो मशीन के साथ आया पाइप यूज कर सकते हैं या फिर अपने घर का पाइप यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना पाइप ऐसा होना चाहिए जो कि इजिली दबे नहीं। अगर पाइप इजिली दब गया तो ये सक्शन के वक्त पिचक जाएगा और मशीन काम नहीं करेगी। जैसे कि इन्होंने जो पाइप दिया काफी मजबूत दिया है, आप लोग खुद देख सकते हैं ये इजिली नहीं दबता है। अगर आप पाइप को डायरेक्ट नल पे लगाएंगे काम तो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है ये काम के दौरान निकल जाए, इससे आपको काफी डिस्टर्बेंस होगी, इसलिए ये पार्ट दिया गया है। सिंपली हमें क्या करना है, फिर इस तरीके से इसके अंदर इंसर्ट करके ऐसे टाइट कर देना है। अब आपका जो पाइप है यहाँ पे अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगा और यहाँ से इजिली निकलेगा नहीं, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को हमें नल में लगाना है कुछ इस तरीके से अच्छे से, और फिर इस चाबी से टाइट कर देना है। अब ये अच्छी तरीके से नल में फिट हो जाएगा और पाइप जो है निकलेगा नहीं और काम के दौरान आपको दिक्कत भी नहीं होगी। फिर उसके बाद हमें ये वाला पार्ट मिला है, इसमें भी कुछ इस तरीके से पाइप को लगाना है ऐसे और यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे इस तरीके से टाइट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक अटैचमेंट है ये ट्रांसपेरेंट वाला, इसमें एक देखिए छन्नी टाइप का लगा होता है, ये देखिए। इसे किसी स्क्रू या फिर पेंच की मदद से छन्नी को ऐसे निकाल लेना होता है और टाइम टाइम पे साफ करना होता है, क्योंकि यहाँ पे काई जम जाती है। अगर काई जम गई तो पानी का फ्लो नहीं आएगा और मशीन काम नहीं करेगी। तो इसे वापस से यहाँ पे अटैच कर देते हैं ऐसे, और इस चीज़ को हमें यहाँ पे टाइट करना है, बहुत ही आसानी से टाइट हो जाएगा, ये देखिए। इसके बाद इस वाले हिस्से को जो कि पाइप का दूसरा एंड है, हमें इस तरीके से खींच के यहाँ पे लगा देना और ये देखिए तैयार हो गई मशीन, ये इजीली निकल जाता है। कोशिश करें मशीन के साथ आया पाइप ही यूज करें, लेकिन अगर आपका पाइप मजबूत है, दबता नहीं है, तो ही उसे लगाएं। हमें ऐसी जगह पे सफाई करनी होती है जहाँ पे पानी की पहुंच नहीं होती है, तब काम आएगा ये जाली। देखिए हमें चाहिए होगा एक पाइप, एक बाल्टी पानी, हमें इस जाली को इस तरीके से लगाना है और इसे डुबो देना है बाल्टी के अंदर। ध्यान रखना बाल्टी से ये हिस्सा निकल ना जाए, अगर निकल गया तो मशीन के अंदर हवा चल जाएगी और आपका टाइम वेस्ट होगा। ये अच्छी तरीके से बाल्टी के अंदर डूबा हो और दूसरे हिस्से को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और ये देखिए हमने अटैच कर दिया है ना, काफी सिंपल सेटअप, कहीं पे भी ले जाके यूज कर सकते हैं और छत पे भी सफाई कर सकते हैं। और एक बार धुलाई के समय हमेशा ध्यान रखना पाइप के अंदर से हवा नहीं जानी चाहिए, अगर पाइप थोड़ी देर के लिए बाहर आता है तो हवा चली जाएगी और आपको हवा यहाँ पे दिखेगी। अगर पाइप के अंदर हवा है तो मशीन ठीक से काम नहीं करेगी, आपको फुल प्रेशर नहीं मिलेगा। अब प्रेशर पाइप को हम लोग यहाँ पे अटैच कर सकते हैं ऐसे, और जब निकालना हो तो इस बटन को दबा के ऐसे निकाल सकते हैं। और यहाँ आपको गन में लॉक अनलॉक की बटन मिलती है, अगर ये लॉक होगा तो ये ट्रिगर नहीं दबेगा,
अनलॉक करेंगे तो ट्रिगर दब जाएगा, और यहाँ से पाइप निकालना हो तो ये देखिए रिलीज का बटन है, ये प्रेशर पाइप को हम इस तरीके से रिलीज कर सकते हैं दबा के। तो मशीन हमारी टेस्टिंग के लिए तैयार है। सबसे पहले इसमें लगाते हैं एक्सटेंशन रॉड, इसे लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये देखिए सिंपली इस प्रकार से लगाना है और यहाँ पे इसे अटैच कर देना, और एक क्लिक होके लग गई है। यहाँ पे हम लोग कोई सा भी नोजल अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए एरो बना हुआ है, इसको इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पे दबा देना है। निकालने के लिए इस बटन को दबाना है और ये अटैचमेंट यहाँ से निकल जाएगा, और ये वापस से लगा दिया मैंने। अब देखो मैं इसे ऑन करता हूँ, आप इस वाला अटैचमेंट के फुहार देख सकते हैं, हल्का सा मूवमेंट है और किस तरीके से गोल गोल निकलती है। ये देखिए ध्यान से देखना, ये देखिए एक बार देखते हैं कितनी हाइट तक पानी जाएगा इसका, ये 2 मंजिल तक जा पा रहा है। ये देखिए अब अटैचमेंट चेंज करते हैं, दूसरा लगाते हैं। ये मैंने निकाल दिया और ये लगा दिया, अब देखते हैं इसका कमाल। ये देखिए कितने ऊपर तक जा रहा है, पूरे 3 मंजिल तक इसकी हाइट जा रही है। ओ गजब। तो व्हीकल को वॉश करने से पहले एक बार इसकी मैं आपको पावर दिखाता हूँ, कितनी पावरफुल मशीन है ये। तो यहाँ पे हमने कार्डबोर्ड का टुकड़ा रखा है, काफी मोटा है, ये देखिए। अब हम लोग इसके प्रेशर से इसको काटने वाले, देखते हैं क्या होता है। मशीन यहाँ से किया हमने ऑन, यहाँ पे इसके 2 टुकड़े हो गए। मैं इसकी लेयर को और डबल कर लूंगा कुछ ऐसे। अब इसे वापस से काटते हैं। अब इसकी मैं 4 लेयर लगा देता हूँ। ये लगभग कट ही गया, ये देखो। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही गंदा ईंटा है, और ये देखिए ईंटा पूरी तरीके से साफ हो गया, एकदम चमक रहा है, ऐसा लग रहा है नया ईंटा है। ये पपीता का पेड़ और ये रहा पपीता, इसे काट के देखते हैं अपनी इस मशीन से। ये पपीता काटा हमने इस पानी के प्रेशर से, यहाँ पे काई है, इस पे ट्राई करते हैं। इसे बोलते हैं इंस्टेंट फेयरनेस, फेयर लवली से भी अच्छी है ये मशीन। अब इस जमीन का बिफोर देख लो और ये है आफ्टर। अब यहाँ पे हमारे पास मैट हैं, इनको नॉर्मली साफ करने धोने में बहुत दिक्कत आती है। सबसे आसान तरीका है इसे प्रेशर वॉशर से साफ कर लें। देखो ये है फोम स्प्रे गन, इसे लगाएंगे कुछ ऐसे और अब इसके अंदर से निकलेगा काफी अच्छी तरीके से फोम। तो अब आगे फाइनली व्हीकल को साफ करने की, देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो इस तरीके से हमने हाई प्रेशर वॉशर से गाड़ी साफ करी। आप कार साफ कर सकते हैं, ट्रक साफ कर सकते हैं, कोई भी अपना व्हीकल साफ कर सकते हैं इजीली, और वो सारी चीज़ें साफ कर सकते हैं जिनको नॉर्मली साफ करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। एकदम ये मैल हटा देता है, एकदम ऊपर से साफ कर देता है, और मेन बात ये बहुत कम पानी लेती है, 7 लीटर पर मिनट मैक्सिमम होता है, यानी कि 1 मिनट में कम पानी से ज्यादा सफाई। तो कैसे लगी टेस्टिंग, आप लोग कमेंट में इस मशीन के लुक और परफॉर्मेंस के बारे में जरूर से बताना। अगर आपको ये मशीन लेना है तो मैंने इसकी बेस्ट बाय लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप लोग वहां पे जाकर इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना और लोगों के साथ शेयर करो, ताकि बाकी के लोग भी जान पाए कि आजकल ऐसे जबरदस्त प्रेशर मशीन भी आते हैं जिससे हम लोग इतने सारे काम कर लेते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और अमेजिंग प्रोडक्ट के साथ। लेकिन यहाँ पे मुझे पता है बहुत लोग कमेंट करेंगे, क्या एगाओ तुम्हारी किसी रिश्तेदार की फैक्ट्री या कंपनी है जो तुम हर प्रोडक्ट एगाओ का लेके आते हो? भाई ऐसा नहीं है, इनके प्रोडक्ट यूनिक होते हैं और नए नए प्रोडक्ट आया करते हैं और काफी यूजफुल भी होते हैं, इसलिए मैं एगाओ के प्रोडक्ट दिखाता रहता हूँ क्योंकि मेरे पास अपने आप ही चल के आया करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। टाटा बाय बाय।